दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट ब्रिज हिंदी में। मेरा नाम है सुलभ और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग नोकिया के 5.3 की। बॉक्स आ चुका है, लॉन्च हो गया है स्मार्टफोन इंडिया के अंदर। सारी खूबियां जानेंगे, गेमिंग टेस्ट भी करेंगे और साथ ही में करेंगे इसका क्विक कैमरा टेस्ट भी। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि अपने सामने देख सकते हो, ये है नोकिया 5.3 का बॉक्स। नोकिया की ब्रांडिंग आपको सामने देखने को मिल रही है। पीछे थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, जैसे 6.55 इंच की स्क्रीन है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 आपको यहां पर मिलता है। जो प्राइस ऑन द बॉक्स दिया हुआ है वो कुछ 16,599 दिया हुआ है, पर प्राइस इससे कम है। तो एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो खुल गया है नोकिया 5.3 का बॉक्स। इसके अंदर आपको मिलेगा एक ब्लैक कलर का शानदार नोकिया का 5.3। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं इसके बॉक्स में। सिम इजेक्टर टूर आपको मिल रहा है, साथ ही में मिल रहा है आपको इसका क्लियर केस। रोबस्ट है, सॉलिड है, तो आपके फ़ोन को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल है, उसी के साथ है इसकी चार्जिंग ब्रिक। साथ ही में नोकिया ने दिया हुआ है 3.5 mm ऑडियो पोर्ट वाले ईयरप्लग्स, और उसी के साथ है USB टाइप सी टू USB चार्जिंग केबल भी। तो देखा जाए ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको नोकिया 5.3 के बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो होगी अनबॉक्सिंग नोकिया 5.3 की। अगर आपने नहीं दबाया है वो सब्सक्राइब का बटन सबसे पहले दबाइए, उसे यहाँ पर नीचे रेड कलर का बटन है, उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखेंगे और आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं नोकिया 5.3। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्म फैक्टर की। सामने आपको एक लार्ज टच स्क्रीन मिल रही है, पर हाँ बिजेल्स चारों तरफ हैं, चिन एरिया भी है और उसी के ऊपर नोकिया की ब्रांडिंग है। ऊपर नॉच में आपको सेल्फी कैमरा मिलता है और उसी के ऊपर स्पीकर ग्रिल मूव कर दी गई है, ये ईयरपीस स्पीकर है। राइट साइड की बात की जाए तो मेटल का बैंड चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का है क्योंकि ये ब्लैक वर्जन है स्मार्टफोन का, दो और वर्जन में ये अवेलेबल है। तो राइट साइड पे आपको मिल रहा है एक पावर बटन और उसी के साथ आपको मिल रहा है एक वॉल्यूम रॉकर की भी। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन दिया गया है और उसी के साथ आपको मिल रही है डुअल सिम की ट्रे भी, यहीं पे आप अपना माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्राइमरी माइक्रोफोन मिलता है, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और उसी के साथ स्पीकर ग्रिल भी दी गई है। टॉप पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिलेगा और उसी के साथ आपको 3.5 mm ऑडियो पोर्ट भी मिलेगा। अब आते हैं इसकी शानदार और सुंदर बैक पे। प्लास्टिक की बैक है, यहाँ पर आपको एक हल्का सा उठा हुआ कैमरा बम देखने को मिलेगा जहाँ पर चार कैमरा दिए हुए हैं और उसी के बीच में LED फ्लैश भी है। राइट अंडर इट देर इज दी फिंगरप्रिंट रीडर ऑल्सो, नोकिया की ब्रांडिंग यहाँ पर भी दी गई है। तो आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है और पीछे आपको प्लास्टिक की बैक मिल रही है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, पर हाँ हल्का फुल्का डस्ट मेरे को उस पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब आ रही है नोकिया 5.3 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानने की। स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ। 6.55 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है, IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है ये, HD+ रेजोल्यूशन है यहाँ पर और 20:9 की एस्पेक्ट रेशियो मिलती है। दिस इज प्रोटेक्टेड बाय कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। इन साइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 चिपसेट मिलता है, जिसके साथ आपको अड्रीनो 610 ग्राफिक मिलेंगे। दो रैम और स्टोरेज कॉम्बिनेशन में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है, एक है 4GB रैम विथ 64GB स्टोरेज और दूसरा है 6GB रैम विथ 64GB स्टोरेज। ये स्टोरेज एक्सपेंडेबल है यूजिंग अ माइक्रो SD कार्ड अप टू 512GB। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और जो चार्जर है बॉक्स के अंदर वो 10W चार्जर है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर तो मिलता ही है, उसी के साथ आपको फेस अनलॉक भी मिलता है। कैमरास की बात की जाए तो पीछे का जो चार कैमरास का अरे है, प्राइमरी कैमरा वहां पर है 13 MP का, फिर है 5 MP का सेकेंडरी कैमरा जो अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक करता है, 2 MP का मैक्रो कैमरा है और एक और 2 MP का कैमरा है जो डेप्थ प्रोवाइड करेगा।
जो सामने का सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर साइज है 2.0, वाइड पिक्चर्स क्लिक कर सकता है ये। यहाँ पर आप FHD में वीडियोस क्लिक कर सकते हैं 30 FPS, और पीछे के कैमरा से आप 4K में वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नोकिया 5.3 के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड 10 मिल रहा है। मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ स्टॉक एंड्रॉयड्स का, बिकॉज आपको एक मिनिमलिस्टिक लुक मिलती है और साथ ही में कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता। ऐप ड्रॉअर है यहाँ पर, और अगर ऊपर से नीचे पुल डाउन करेंगे तो आपको क्विक सेटिंग्स मेन्यू भी मिलेगा। फास्ट चल रहा है, ज़्यादा लैग देखने को मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इसका फुल रिव्यू लेकर आएंगे हम casualbridge.com पे। अब नज़र डाल लेते हैं इसके प्राइस के ऊपर। जो 4GB का मॉडल है वो आपको मिलेगा 13,999 का, और जो 6GB का मॉडल है वो मिल सकता है आपको 15,499 रुपये में। दोस्तों अब बारी आ गई है गेमिंग टेस्ट की, और साथ ही में करेंगे इसका क्विक कैमरा टेस्ट भी। दोस्तों अब बारी है नोकिया 5.3 पे गेमिंग टेस्ट करने की। एसफॉल नाइट लेजेंड्स लग गई है इसके ऊपर, वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। एक दो लैब्स खेल के देखते हैं कैसी लगती है ये गेम ऑन दिस स्मार्टफोन। याद रखिएगा मिड सेटिंग्स पे हम इसको चला रहे हैं अभी। ऑलराइट, दैट वाज अ क्लोज गेम, पर ग्राफिक्स काफ़ी डिसेंट है, कार डिटेलिंग अच्छी है, जो एनवायरनमेंट है उसकी भी डिटेलिंग अच्छी है। दो तीन जगह पे मेरे को लैग देखने को मिला ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट दी हाई एंड ग्राफिक के लिए जो चिपसेट बनाते हैं क्वालकॉम वो नहीं है, पर हाँ मिड लेवल पे काफ़ी डिसेंट गेमिंग हो रही है, ग्राफिक्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। आपको कैसी लगी ये गेम मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब आ रही है नोकिया 5.3 के क्विक कैमरा टेस्ट की। पहले बात कर लेते हैं क्या क्या मोड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। पोर्ट्रेट मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड भी है, और साथ ही में नाइट मोड आपको मिलता है। फोटो मोड के अंदर जाके मैंने एक इमेज क्लिक की है इसके 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा से, तो देखते हैं कैसी लगती है। शार्पनेस अच्छी है, डिटेलिंग अच्छी है, कलर्स क्लोज टू लाइफ हैं। आपको कैसी लगी ये इमेज मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की जैसे आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं कैजुअल ब्रिज हिंदी। मैं आपसे मिलूँगा अगली बारी।